हेलो एवरीवन, सो दिस इज वर्जिन राइड्स एपिसोड 1 एंड वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू. सो लेट्स होप ये आपको सब कुछ अच्छा लगे. धीरे 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 कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब पे इतने लोग जो मुझे काफी देर से फॉलो कर रहे हैं वो मेरे को इतना प्यार करते हैं और इतना मेरे साथ कनेक्शन फील करते हैं. मुझे अब रियलाइज हो रहा है जब मैं डायरेक्टली लोगों से बात कर पा रहा हूँ. तो आई एम रियली लविंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टॉकिंग टू दैम एंड गोइंग आउट एंड फाइंडिंग दैट लग्जरी कार फॉर दैम. तो हमने एक मीटिंग करी, काफी अच्छी डिस्कशन हुई एंड इट वॉज ऑल वेरी गुड. तो जो हमने फाइनलाइज करा, मेरे को जो इंस्ट्रक्शन थी वो थी कि 15 लाख तक का बजट था. और जो स्पेशल चीज थी वो ये थी कि उनकी वो पहली लग्जरी कार होने वाली थी एंड एज ऑल मोस्ट अदर इंडियंस तो उनको यही था यार कि लग्जरी कार में खर्चा ज्यादा है, कैसे से मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे एंड ऑल दोज लल्लाफा प्रॉब्लम्स. तो ये सब कुछ उनके मन के डाउट्स थे जो मैंने सारे क्लियर करे. आई टोल्ड देम, आई रीअश्योर्ड देम कि मैं साथ में होऊंगा, सब कुछ उनका सारा काम करवाऊंगा, टेंशन ना लो, इट्स एज गुड एज हैविंग अ स्विफ्ट और एज गुड एज हैविंग अ नॉर्मल कार. एंड सो दिस जो दिस द होल एक्सपीरियंस, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ. ये मेरे लिए भी काफी नया है बिकॉज मैंने बड़े दिनों बाद बसेस में ट्रेन्स में ट्रैवल करना शुरू करा. बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको कार खरीद के लेकर आनी है तो आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकते और कहीं ना कहीं बिकॉज इट इज अ 0-1 स्टेज ऑफ अ न्यू वेंचर. तो स्टार्टिंग में मैं खुद ही ऑन ग्राउंड सारा काम करता हूँ, धीरे 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 टीम बिल्ड करता हूँ. बिकॉज जब तक आप सड़कों पर खुद नहीं उतरते आप चीजें खुद नहीं बिल्ड कर सकते और स्टार्टिंग में पहाड़ नहीं बनते. फॉर एग्जाम्पल रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. सो मेरे लिए भी काफी मजेदार एक्सपीरियंस है. तो थोड़े थोड़े वो भी आप ग्लिम्पसेस देखते रहोगे. फाइनली हमारी बस रुकी है कुरुक्षेत्र के पास. मुझे पुराने दिन याद आ गए जब मैं कॉलेज में था और ट्रैवल करता था. फाइनली दिल्ली के बहुत बढ़िया दृश्य पे हम एंटर कर चुके हैं. ये है दिल्ली के ग्रेट पहाड़, नेचुरल ब्यूटी हिमालयन रेंज से ज़्यादा सुंदर. ये पहाड़ बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, दिल्ली वालों को पता होगा. दिल्ली एंटर करते ये वेलकम के लिए हमारे लिए रखे गए हैं. हवा वाला पंप, मैं झोला, वाटर बॉटल. दिस इज हाउ वी बाय कार बेबी. सो जो Q7 देखने आए थे, जिसके Q7 के भरोसे में बस पे आया था और मुझे था कि सैटरडे संडे चलो जो यहाँ पे दिल्ली में और काम है वो कार में हो जाएंगे, क्योंकि वो कार चंडीगढ़ लेके जानी थी. तो पता चला कि उसमें प्रॉब्लम थी. सो ये काम में ना मैं बड़े बड़े चैलेंजेस देख रहा हूँ. इट्स ऑलवेज एथिक्स वर्सेस कन्वीनियंस. सो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था कि अगर मैं वो कार इसके लिए लेने आया था, वन ऑफ आप जैसे सज्जन के लिए, अगर वो ओके करवा देता और उनको निटी ग्रिटी नहीं बताता, क्योंकि जो चीज़ें आपको अंदर बैठ के फील से पता लगती है ना वो आप आगे को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो कहना. तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उनको बिना बताए या उनको बोलूँ कि कार अच्छी है, आप पेमेंट करो, मैं लेके जा रहा हूँ. तब तक मेरी पेमेंट हो चुकी होती, गाड़ी की पेमेंट हो चुकी होती और सब हो चुका होता और वो शायद कभी किसी को बताते भी ना, या एटलीस्ट यूट्यूब पर ना आते या पता ना लगता. बट वो बस मेरे को एक बद्दुआ देते. तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं वैसे करता और मेरा आज का अगले तीन चार दिन का सारा काम सब कुछ बहुत आराम से हो जाता. बट जो नहीं सही वो नहीं सही. तो ये है बिट्टू टिक्की वाला की स्पेशल टिक्की जिसमें बहुत सारा पनीर है, आई डोंट नो व्हाई. एंड मुझे पता, आप सोच रहे हो कि ये कार चैनल से फूड चैनल को बनता जा रहा है, बट क्या करें अब. और एक बात है जो थोड़ी सी खास है कि आप कहते हो कि यार कि हमें भी दिखाओ जिस डीलर को मिल रहे हो, क्या कर रहे हो. तो पॉइंट इज मैं शूट कर रहा होता हूँ बट जब गाड़ी सही नहीं निकलती ना तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन डीलर के बारे में बताऊं, क्योंकि ये जो सेकंड हैंड कार्स का सीन है ना यार, लग्जरी कार्स का, ये ना इसकी टोपी उसके सर वाली बात है. सो आपके पास कार कहाँ से आ रही, क्या कर रही है, तो हर बंदा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नो डाउट अगर एक डीलर से 4-5 बार डील करने के बाद भी हर गाड़ी खराब निकल रही है, दैट मीन्स इज नॉट अ नाइस वन. बट सिंस आई एम न्यू टू दिस, स्पेशली फॉर पीपल, सो थिंग इज कि मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि उसके जगह से एड्रेस से गाड़ी कहाँ खड़ी है उससे पता लग जाता है कि कौन सा डीलर है. तो मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता.
बट तो मैं कार के इंटीरियर पे से ही काम चला लेता हूँ कि दिस इज द रीजन वाई आई डिड नॉट बाय दिस कार. सो इसलिए काफी कुछ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नहीं दिखा पाता, बट जिसकी कार अच्छी निकलेगी फाइनली जिसकी बाय करेंगे उसके लिए आई विल ट्राई टू शो यू द होल थिंग. एंड तब तक आओ बिट्टू टिक्की वाला की टिक्की खाएं. दिस हैज़ फोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो पीछे भी ड्यूअल जोन है आगे भी ड्यूअल जोन है. टायर ब्रांड न्यू है, दोनों चाबियां हैं, ये थोड़ी सी यूज्ड है, उल्टा दूसरी वाली तो लिफाफे में आई थिंक बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जबकि ये भी सही कंडीशन में है. अंदर बिल्कुल फ्लॉलेस है बिकॉज डिक्की के भी वारंटी से काफी आइडिया लग जाता है. स्टेपनी अनयूज्ड है, ये फर्स्ट एड किट वगैरह जो होती है इसमें. दिस कार नीड्स डिटेलिंग. अभी जैसे मिट्टी पड़ गई है सारे फीचर्स वर्किंग है मैंने चेक कर लिए. इंटीरियर की क्वालिटी, बटन्स पे कोई वारंटी नहीं है, ये बहुत अच्छे से बताता है कार की रियल एज का. जैसे ये मेटल मैं आपको Q7 का भेजता हूँ, वो बिल्कुल फेडेड था, जैसे आइडिया हो गया ज़्यादा चली गई, इसका बिल्कुल फेडेड नहीं है. लाइक यहाँ पे मिट्टी फंसी होती रिंग्स में, वो इसके लोगों का एक इशू है, बट ये वाला मेटल जो स्टेयरिंग के अराउंड है ये फेड हो जाता होता अगर यूज होती है ज़्यादा. तो ये इसकी लेदर सीट ये वाली, ये चेंज होती होती है, मेरे को पता कहाँ से होगी चंडीगढ़ से, ये धूप से ख़राब होती है, ड्राइवर वाली ही ख़राब होती है फॉर सम रीज़न, ये मेरी भी मैंने चेंज कराई थी. ये पीछे भी सारा कुछ फ्लॉलेस है, चला के देख ली मैंने गाड़ी अच्छे से. इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर ये खोले होते हैं तो. मिट्टी है, रस्ट का साइन किसी में नहीं है. हेलो, मज़ा आता मज़ा. ये है गाड़ी कैप्टन बातवानी साहब की, सो ही इज़ अ पायलट, कमर्शियल पायलट इन विच एयरलाइन. गो फर्स्ट, सो नाउ वी आर गोइंग टू गो फर्स्ट ऑन दिस स्कॉर्पियो. और व्हाई दिस इज स्पेशल, कि
एक तो हमारी दोस्ती भी इस गाड़ी के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सिर खाया, यू आर कन्फ्यूज कि स्कॉर्पियो लेनी है थार लेनी है, बट इवेंचुअली मैं इनको बोलता रहा कि स्कॉर्पियो लो। तो दिस इज द टॉप मॉडल 4x4, इसको भी लग्जरी बोलते हैं क्या, Z8L, सो दिस इज लाइक टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन, बिकॉज 4x4 भी 1.5 लाख महंगी। ऐसे गाड़ी में ज्यादा मजा आता है, अनटच्ड। जो जिसको देखना है हम, तो इस A6 पे क्वाट्रो का भी वो लगा हुआ है, किसी महान बंदे ने बैज लगा दिया होगा, जैसे लोग वैगनआर पे रेंज रोवर का लगा देते हैं। आज तो हम स्कॉर्पियो में बहुत मजे मार रहे हैं। कार बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिकॉज द गाइड टोल्ड मी कि उन्होंने डिटेलिंग वगैरह सब कराई हुई है, जो पता लग रहा है कि पेंट करेक्शन हुई हुई है इसकी, मीन जो ओवर द टाइम पेंट थोड़ा वो पड़ जाता है, वियर एंड टियर उसको चाहिए होता है, वो हुआ हुआ है, इसको तभी शाइन मार रही है। नहीं, ऑप्शनल नहीं था मेरे टाइम पे, एक्सेसरी था, 1,10,000 रुपये का था पूरा सेटअप। डॉक्टर संदूस के लिए A6 वाला सीन तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा मज़ेदार होने वाला। तो अभी फाइनली दे वांटेड टू सी एन A6 लाइव बिफोर टेकिंग दैट प्लंज, सो उनको मैं लेके आ रहा हूँ अपने फ्रेंड की डीलरशिप पे। मुझे रिलाइज हुआ है कि मुझे लगता था कि मैं ना बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हूँ, बट मुझे रिलाइज हुआ कि अगर आप स्ट्रीट स्मार्टनेस का सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट ना करो तो आपके दिमाग को जंग भी लग जाती है। सो इस कार वाले सीन के चक्कर में 5 साल के बाद मैं बस में और ट्रेन में जा रहा हूँ, और लिटरली मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हरासमेंट हो रही है मेरे साथ। जब मैं रिलाइज कर रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये मेरी गंदी आते हैं, जब गाड़ी उठाई कहीं चले गए। लास्ट 4-5 दिन में मैं 2 बसें 1 ट्रेन मिस कर चुका हूँ। फाइनली अब दोबारा जब मैंने ट्रेन बुक कराई तो मैंने रिलाइज़ कराया यार कि मैं पहले टिकट बुक नहीं कराऊंगा, तो वहाँ पे पैसे वेस्ट हो गए थे, तो मैं यहाँ अंदर आके बुक कराऊँ कि टिकट अवेलेबिलिटी तो है ही ट्रेन में, तो वहाँ मौके पे करा लेंगे। तो यहाँ अंदर आए तो पता चला अच्छा डबल की टिकट लगती है। तो इतनी चीज़ें जो दुनिया में होती है और हमको पता नहीं लग रहा। और मैंने बस भी क्यों मिस कर दी, क्योंकि मैं गुड़गांव के इफ्को चौक पर खड़ा था रात को 11:30 बजे, और मुझे आधे घंटे बाद पता लग रहा है कि अच्छा बस तो चौक की दूसरी साइड की, ओली बस जो मैंने बुक करी चौक की दूसरी साइड आती है। तो इतनी चीज़ें जो मेक श्योर रखनी होती हैं ताकि यू कैच योर बस ऑन टाइम, यू कैच योर ट्रेन ऑन टाइम,
यही चीजें दिमाग से निकल चुकी है। इतने पैसे उजाड़ चुका हूँ मैं लास्ट 3-4 दिन, पैसे अलग उजाड़ रहा हूँ, दिमाग अलग खराब कर रहा हूँ और ऐसे फील कर रहा हूँ हाँ यार इतनी हार्डशिप है मेरी लाइफ में, कितना मुश्किल हो रहा है। बट मैं बैठे सोच रहा हूँ तो आई एम रियलाइजिंग कि यार कि ये बिगड़ायल पाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, दिस इज लाइक द मोस्ट कम्फर्टेबल वेज और ये हमारा ही इनडिसिप्लिन है व्हाटएवर। बट चलो ठीक है, लाइफ में लर्निंग नहीं कहेंगे इसको, री लर्निंग बड़ी जरूरी, क्योंकि 5 साल पहले सब पता था मेरे को, तब मैं हर जगह जाता था सब करता था। बट नाउ आई थिंक क्यों कहते हैं कि बच्चों को हमेशा हार्ड एनवायरनमेंट भी रखना चाहिए और खुद को भी थोड़ा हार्ड एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, इतना भी कंफर्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। बट ठीक है, बड़ा भाई नहीं तो मेरे को सुबह जल्दी उठना, ऊबर वाले से बात करना, वो भी चुप रहा है, ऊबर वाला भी कह रहा है भैया जाना नहीं जाना बताओ, मैं नहीं इतनी वेट कर सकता आपकी। और उस दिन मैं ट्रेन में बड़े प्यार से जा रहा हूँ, बात मैं कह रहा है ट्रेन ही है तो क्या हो गया यार, हम बड़े टाइम से पहुँच जाएंगे। 6:53 की शताब्दी थी, 6:54 में पहुंचा और निकल चुकी थी, बोला ये क्या हो गया मेरे साथ लाइफ। ठीक है, दिस इज गुड लर्निंग पार्ट ऑफ, यही होता है कि जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो यू अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड दैट इज द फन पार्ट दैट आई ऑलवेज लव, तभी मेरा कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने का मन करता रहता है। एंड दिस इज माई थर्ड वेंचर एंड नो डाउट पिछले दो कोई बहुत बड़े करोड़ रुपए वाले नहीं बन गए, बट स्टिल दे आर गुड बिजनेसेस। बट आई एम हैप्पी कि ये तीसरा वाला भी इट हैज़ किक्ड ऑफ गुड एंड आई बिलीव कि इसमें भी यार अच्छे साथ लोगों के साथ कुछ कर पाऊँ, बट ये लर्निंग का पार्ट बड़ा मजा आता है। Going to take the delivery of A6 finally. Hopefully सब ठीक रहे, because जब तक सारा कुछ हो नहीं जाता, पेमेंट हो नहीं जाती, गाड़ी हाथ में आनी जाती, तब तक कुछ भी हो जाता है। तो ठीक है, बढ़िया नई जिंदगी, मज़ा आ रहा है। कॉलेज के टाइम में जो झोला उठा के इधर उधर घूमते थे वो सब चल रहा, तो let's see सब बढ़िया रहे। ये है बलबीर जी फ्रॉम नानकसर मोटर्स टैगोर गार्डन, फाइनली सारी डील हो गई है, पेमेंट हो गई है, सब हो गया है। तो नॉर्मली दिल्ली में पार्किंग इतनी इशू है, डीलर्स की गाड़ियाँ पार्किंग लॉट्स में खड़ी होती हैं, मेट्रोज के या मॉल्स के, हमारी कार यहीं पे कहीं पे आके होनी चाहिए। दैट्स द ऑडी वी हैव बॉट, ऑडी A6, मिट्टी पड़ गई है, दिस इज द कार नाउ वी हैव परचेस्ड। $24,000 ड्रिवन टेक्नो पैक, चलो बार के दिस इज फॉर अजी चाबी। सर आपका गुड नेम? सो दिस इज अ 2014 मॉडल फर्स्ट ओनर कार, इसकी सितंबर 2000 मतलब कौन सा साल चल रहा है, 2023 सितंबर 2023 तक की इंश्योरेंस है। पूरी कार वैलिड है, पूरी कार के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, बिल्कुल सॉर्टेड कार है, फर्स्ट ओनर मैन्युफैक्चर्ड 14, रजिस्टर्ड 14। सो आई थिंक जो जिस कंडीशन में है, और ऐसी कंडीशन में कार ढूंढनी बहुत मुश्किल होती है, जिस कंडीशन में कार है उसके हिसाब से आई थिंक इट्स अ गुड डील, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। बट और इस पर अब हम 30-40,000 अपनी मर्जी से लगाएंगे, इसको डिटेल कराएंगे, टायर चेंज कराने पड़ते हैं नॉर्मली, बट इसके टायर ऑलरेडी चेंज हैं, तो उससे चीज़ें और थोड़ी फ्लॉलेस हो जाती हैं। बाकी लेट्स सी, दिस इज द कार, जिस पर मिट्टी है उसको इग्नोर करो। और ना वही बात है, जब मेरे पास इकोस्पोर्ट थी, मैंने इकोस्पोर्ट बहुत दिखवाई थी, अब A6 है तो लग्जरी लोग लेना चाहते, तो मैं A6 की बहुत तारीफ करता हूँ, और मेरे हिसाब से ये सही है। कारण क्या, आई थिंक मच बेटर देन देम जो खुद कुछ और यूज़ कर रहे हैं, लोगों को कुछ और बता रहे हैं, उससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी तो मेरे को इसी में लग रही है यार, कि जो चीज़ मैं अपने लिए चूज़ कर रहा हूँ उसी की तारीफ करूँगा मैं। टू बी ऑनेस्ट, वाई विल आई बी यूजिंग अ वन कार एंड डूइंग तारीफ ऑफ अनदर कार। बट ये अलग बात है कि जब भी मैं किसी के साथ बात करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, आई मेक श्योर कि उनको कैसे की गाड़ी चाहिए। अब इनके लिए, उनके पास ऑलरेडी दो कार्स थी, तो इनके लिए रियर शॉफर एक्सपीरियंस अच्छा होना बहुत ज़रूरी था। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ ये कार, मैं ड्राइव करके लेके जाने वाला चंडीगढ़। ऑब्वियसली इफ आई वाज एक्साइटेड वो सड़क पे तो निकलेगा ही। तो हम फाइनली आ गए हैं कार लेके, तो ये इनका हॉस्पिटल है। सो ये वाला गेट अब बोरा गेट, ये खड़ा ड्राइवर साहब बाहर। This is the car at its place. Audi A6 2014, 6 महीने की। This is the car finally at its place. This is the car. चलो।
कैसे हो? बस जी बढ़िया। कैसे कैसे लग रही है इन द फ्लैश? ये अलग सा ही कलर है। ताड़ा। सो दिस वॉज माई सक्सेस ऑन दिस एपिसोड एंड आई एम हैप्पी दैट वी कुड ऑल वर्क टुगेदर एंड गेट अ वेरी गुड कार फॉर हर। एंड मेरी कोशिश थी कि मैं उनके साथ एक वीडियो बनाऊं, बट ऑब्वियसली हर बंदा माइक पे नहीं आना, वीडियो पे नहीं आना चाहता, माइक पे बात नहीं करना चाहता, बट इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड बोथ द कपल वर रियली हैप्पी। बाद में वी स्पेंड अ वेरी गुड पर्सनल टाइम एंड सो आई एम हैप्पी कि ये हो पाया। तो अगर आपको भी कोई लग्जरी कार लेने का मन है और आप भी देखते रहते हो यार कि मार्केट में इतनी गाड़ियाँ सस्ती मिलती हैं, बट यार आपका फोकस सिर्फ न्यू गाड़ियों की तरफ रहता है और अपने मन में ये मेंटल बैरियर डाल के चलते हो कि यार कि ये तो सेकंड हैंड गाड़ियाँ तो कूड़ा होती हैं यार, ये नहीं लेना चाहिए, इन्हें तो खर्चे होते हैं, कुछ होता है, ये तो बेवकूफ लोग करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बट आई एम टेलिंग यू ओनली द वेरी स्मार्ट पीपल आर वंस हु बाय यूज्ड कार्स, यूज देम फॉर अ गुड टाइम एंड देन सेल देम, और उनकी डेप्रिसिएशन सबसे कम होती है, उनको प्राइस बहुत कम पड़ता है, उनको खर्चा भी बहुत कम पड़ता है। बट द रियल थिंग इज कि वो बैरियर क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज चाहिए वो मैं बनना चाहता हूँ, बिकॉज उसके लिए काफी नॉलेज चाहिए। 10 में से सिर्फ एक या दो गाड़ियाँ होती है जो लेने वाली होती हैं, बट वंस यू बाय द राइट कार यू एक्चुअली हैव गेट अ वेरी गुड डील, यू गेट अ वेरी गुड कार, उसकी मेंटेनेंस सपोर्ट सब कुछ मैं आपको करवाता हूँ, सारा कुछ हर चीज में कंसल्ट करता हूँ, और उसके एंड में जब आप गाड़ी चलाओगे 20-30-40 हज़ार किलोमीटर, उसके बाद जब रीसेलिंग में भी आपकी हेल्प करूंगा, तो यू विल फाइंड कि आपके पैसे इतने कम लगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू बाय अ कार वर्थ 15 लाख्स, there is a 90% chance that after buying, if you buy right and sell right using me, आप 14 लाख में वो गाड़ी साल डेढ़ साल बाद बेच दो 30-40 हज़ार चला के, बिकॉज दैट हज हैपन्ड विद मी। सो और अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हो 1-1.5 लाख तो वहीं पर टूट जाता है, एंड देन जितनी न्यूअर कार्स हैं उतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, उनमें कॉस्ट कटिंग इतनी हो रही है, फीचर्स के नाम पर उन्होंने जो ब्रोशर है उसको भरा हुआ है, बट रियलिटी में अगर आप बैठोगे एक 8-9 साल पुरानी लग्जरी कार में जो एक्चुअली इनोवेटर्स हैं, जो जहाँ से शुरू होते हैं फीचर्स बनने, उनमें बैठोगे और इनमें बैठोगे आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा और बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जितनी जर्मन लग्जरी कार्स होती हैं उनके 8 से 9 एयरबैग्स काफ़ी गाड़ियों में स्टैंडर्ड होते हैं, पावर्ड सीट स्टैंडर्ड होती हैं, ऑटो डिमिंग मिरर्स तीनों स्टैंडर्ड होते हैं, जिन चीज़ों को जो आजकल की नई गाड़ियाँ हैं वो इतने रुला के हमें बेचती हैं। एंड सो आई सपोज कि अगर आपके मन में कभी भी ये ऐसा चीज़ हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल शेयर माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, एंड फर्स्ट टाइम आई विल टेल यू, बिकॉज मैं अलग वीडियो में नहीं बोलता, बिकॉज दिस इज अ कॉन्शियस एफर्ट नाउ आई एम डूइंग विद माई यूट्यूब चैनल, दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपके क्लोज में कोई भी बंदा दूर दूर तक सोच रहा है कि यार मेरा भी मन है लग्जरी गाड़ी लेने का, तो आई एम टेलिंग यू दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आई एम ऑन अ मिशन टू एनहांस योर लाइफ एंड बी योर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट लग्जरी लाइफस्टाइल। एंड आई एम टेलिंग यू अगर अब आप एक सस्ते कम बजट में एक अच्छी कार नहीं लोगे, तो मैं कह रहा हूँ कि आप जब करोड़ की या 70-80 लाख की BMW, Audi या Mercedes ऑल दीज कार लोगे, तब तो आप उनको मजे से वैसे ही नहीं चला पाओगे, मजा ही आप तो उनका तब ले पाओगे जब आपको वो अच्छी डील में मिले। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई होप यू ऑल गेट अबाउट दिस थिंग, एंड आपका मन हो तो जरूर कॉन्टैक्ट मी एंड लेट्स हैव अ गुड चैट।